और अब खबर रायपुर से है, जहां जशपुर में एक और हाथी की मौत के बाद बीजेपी ने तस्करी की आशंका जताई। राज्य में हाथी की हत्या के लिए क्या कोई गिरोह सक्रिय है? नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक के बाद एक होती हाथियों की मौत के मामले की सक्षमता से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जशपुर में एक और हाथी की मौत, अभी मौत का सिलसिला रुका नहीं है और जिस प्रकार से लगातार देख रहे हैं कि हाथियों की मौत हो रही छत्तीसगढ़ में, अत्यंत चिंताजनक विषय है। वन विभाग के द्वारा पता नहीं क्या औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, लेकिन अभी भी हाथियों का मौत का सिलसिला जारी है।